सुमन का बेबी 5 महीने का है और आजकल वो मैटरनिटी लीव पर है। 2 महीने के बाद उन्हें जॉब पर लौटना है। बच्चा तो घर के दूसरे लोग संभाल लेंगे, लेकिन मदर मिल्क का क्या? बच्चा माँ के दूध के बिना कैसे रह पाएगा? अनु उनकी पुरानी सहेली है, उसने सुमन के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। दोनों की बातचीत आप भी पढ़ें, शायद आपके भी काम की हो। सुमन अनु, मैं बेबी को लेकर स्ट्रेस में हूँ। इसे छोड़कर ऑफिस ज्वाइन करने का मन ही नहीं हो रहा है। अनु थोड़े दिन की और ले लो ना। सुमन, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा किया तो मुझे नौकरी से रिजाइन करना पड़ सकता है। अनु तो जॉब से ब्रेक ले लो जब तक बेबी बड़ा नहीं हो जाता। सुमन, यह भी नहीं कर सकती। अब तो इसके फ्यूचर के लिए मुझे और सिद्धांत दोनों को कमाना होगा। लेकिन अनु, लेकिन क्या? सुमन, मम्मी पापा दीदी ये लोग बेबी को तो संभाल लेंगे, लेकिन मेरे दूध के बिना यह कैसे रहेगा? डिब्बे और गाय का दूध इसे अब तक दिया ही नहीं। सुमन, ब्रेस्ट पंप कितने तरह के होते हैं? अनु, ब्रेस्ट पंप 5 तरह के होते हैं। सुमन, ब्रेस्ट मिल्क पंप से जितने भी फायदे हैं वो मुझे बता सकती हो? अनु, हाँ बिल्कुल। ये देखो सुमन, क्या इसके इस्तेमाल से कुछ नुकसान भी है? अनु चलते चलते ब्रेस्ट पंप से जुड़े 2 मिथ का जवाब जानते हैं। पंपिंग से तेज दर्द होता है डॉ विशाल मकवाना, जब तक आप इसे गलत तरीके से यूज नहीं करती हैं, तब तक पंपिंग से ब्रेस्ट में दर्द नहीं हो सकता। पहली बार यूज करने वाली महिलाओं को शैलो पंपिंग करनी चाहिए। 30 सेकंड से शुरुआत करें, धीरे धीरे इसकी टाइम बढ़ाएं। क्रैकेड या सोर निपल्स वाली महिलाओं को ज्यादा दर्द हो सकता है। ब्रेस्ट ढीले होते हैं डॉक्टर विशाल मकवाना, ऐसा सिर्फ पंप की वजह से नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। प्रेगनेंसी हार्मोन ब्रेस्ट को ढीला करते हैं। एक बार जब आपका बच्चा पूरी तरह से दूध पीना बंद कर देता है, तब मालिश से उन्हें पहले जैसी शेप में ला सकती है।